फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स फिर से मैं आप लोगों के सामने रिवीजन टेस्ट कक्षा 9वीं का विषय व्यावसायिक शिक्षा लेकर आया हूं, जिनको हम लोग इंग्लिश में एम्पोलिटेबिलिटी की स्केल्स बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मकसद केवल, हमें हर वीडियो में बोलता हूँ, इसी वीडियो में फिर बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद केवल बच्चों की हेल्प करना है, ना कि मेरा मकसद कोई भी किसी बच्चा से पैसा कमाना है, नहीं है, ना ही मेरा मकसद किसी प्रकार का पेपर लीक करना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। प्रश्न क्रमांक एक से सही उत्तर, तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर देना है सही विकल्प में। तो आप लोग किस प्रकार से सही विकल्प लिखना है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहले आप लोगों को सही विकल्प प्रश्न क्रमांक एक डालना हो और इस प्रकार से लिखना है। तो आप लोग अगर मेरी तरह लिखते हो तो भी ठीक है, अगर आप लोग अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, आप लोगों को नंबर सही मिलेंगे। ओके बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक एक के उत्तर को। तो पहले उत्तर में आप लोगों को लिखना है पहले का काश सुनकर, दूसरे का लिखना आप लोगों का दस्तावेज और फाइलों को प्राप्त करने को, तीसरे में लिखोगे आप लोग सुनते समय सिर हिला देना, चौथे में लिखोगे आप लोग खा क्या आप मुझे इस कार्य का उदाहरण दे सकते हैं, पांच में लिखोगे आप लोग चाह जुनून। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को यानी वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक दो की ओर, जिसमें दिए गए हैं सही प्रश्न क्रमांक दो में उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आप लोग बहुत सारे हैं, इसमें आप लोग भर भी सकते हैं, आप लोगों ने भर भी लिए होंगे, तो चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो काम भरना है मेरा पहला नाम क्या है, तो आपको अपना पहला नाम लिखना है जैसे अंकित, मेरा उपनाम जैसे कोई लिख देगा खड़े, तो मैं हूँ तो मैं जैसे मैं अभी हाल में टीचर हूँ तो मैं टीचर हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग स्टूडेंट हो गए तो स्टूडेंट लिख देना, मैं रहता कहाँ हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ मैं भोपाल में रहता हूँ, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। मेरा पोस्टल कोड यानी पिन कोड लिखना है यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरा है 87 22 21, यानी मेरा है 87 22 21, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक तीन की ओर, जिसमें दिया गया है उत्तर यानी सही जोड़ी मिलाइए। तो आप लोग सही जोड़ी किस प्रकार से मिलाना है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सही जोड़ी आप लोगों को इस प्रकार से मिलाना है जैसे कि मैंने तो इस प्रकार से मिला दिया है, अगर आप लोग अपने हिसाब से मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो, इस तरफ प्रश्न डाल के इस तरफ उत्तर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने आप लोग मिलाइए सही जोड़ी, जैसे पहले का आप लोग सुंदर लिखिए, दूसरे का आप लोग अच्छा लिखिए, तीसरे का सही जोड़ी मिलाइए विचारों का आदान प्रदान, चौथी की सही जुड़ी मिलाइए नमस्ते से, पांचवीं की सही जुड़ी मिलाइए दृश्य संचार से, इस प्रकार से आप लोग सही जुड़ी मिला सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक चार के उत्तर को, जिसमें आप लोगों को सत असत लगाना है यानी सही गलत में लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक चार में सत कौन है, असत कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। तो प्रश्न क्रमांक चार में पहला सत्य अपना सही है, दूसरा असत्य यानी सॉरी दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी सत्य है, इस प्रकार से आप लोग सत असत लगा सकते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक पाँच की ओर, जैसे प्रश्न क्रमांक पाँच में आप लोगों के सामने ये रहा उत्तर, जिस प्रकार से मैं लिखा है संचार किसे कहते हैं। तो आप लोग भी जानते हो संचार किसे कहते हैं, संचार बहुत ही सहल क्वेश्चन है, किसी भी जिस प्रकार से आप लोग लिखिए किसी भी सूचना या जानकारी को प्रेषक भेजने वाले के द्वारा प्राप्त करने तक पहुँचाना संचार कहलाता है, जैसे कि मैं इस मोबाइल के द्वारा आप लोग तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ, एक संचार है। ओके इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक छः के उत्तर की ओर, इसमें पाँचवीं को रहे छः का उत्तर है आप लोग, इसमें आप लोगों को संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, यानी इसमें लिखना था संचार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि भाषा, दृश्य संचार, पूर्व अनुभव, पूर्व ग्रह, भावनाएं, वातावरण, संस्कृति, इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक छः के उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक सात की ओर, वीडियो को रुक कर अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर आप लोगों के सामने ये रहा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो, ताकि आप लोग सुन सकें और अच्छी तरह से लिख सकें। तो आप लोगों के सामने ये रहा प्रश्न क्रमांक सात का होता है, इसमें दृश्य संचार, इसमें आप लोगों को लिखना है, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पता है कि इस वर्ष तो आपको चल जाएगा, क्योंकि कॉपी लिख कर मैं बाहर से परीक्षा में नहीं चलेगी, इसलिए आपको अपने मन से लिखना है। थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन है दृश्य संचार, दृश्य संचार किसे कहते हैं, दृश्य संचार माने देखने वाला संचार, जैसे मैं मोबाइल द्वारा आप लोग देख रहे हो तो ये हुआ एक दृश्य संचार। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं मोबाइल टीवी के द्वारा अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग दृश्य संचार के बारे में लिख लीजिए, मन का लिखिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो दृश्य संचार कोई नहीं है, बस दृश्य संचार माना देखने का संचार, तो आप कहाँ कहाँ पर देखते हो, क्या क्या देखते हो, किस प्रकार से देखते हो, तो ये लिखना है बस। बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक आठ की ओर, प्रश्न क्रमांक आठ में दिया गया है अभिवादन, यानी अभिवादन व परिचय लिखिए, यानी इनकी परिभाषा देना है। तो अभिवादन किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं अभिवादन का अर्थ होता है हमसे बड़े छोटे सभी व्यक्तियों के सम्मान देना, उनका आदर पर सरकार सत्कार करना अभिवादन कहलाता है। जैसे आप लोग हमारे जैसे आप लोग हमें मुझे भी कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ हेल्प मी, तो इस वजह से आप लोग हमारा अभिवादन कर रहे हैं, सर नमस्ते, सर
इस प्रकार से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस प्रकार से आप लोग जैसे नमस्कार करना, शुभरात्रि, सप्रता, राम राम करना, इस प्रकार से आप लोग अभिवादन करते हैं दूसरों का। परिचय, आप लोग परिचय जानते हो, जैसे कि मैं बोलूँगा आप अपना परिचय दीजिए, तो आप लोग परिचय में क्या अपने बारे में बताते हो, इसी प्रकार से आप परिचय के बारे में लिखना है। जैसे परिचय में लिखोगे आप लोग परिचय का अर्थ होता है अपने शब्द में अपने अपने संबंध में अपने बारे में खुद की जानकारी कि उसको सामने वाले के व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करना परिचय कहलाता है। बिल्कुल राइट बात है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक अगले की ओर, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रभावी संचार लिखना है, यानी प्रभावी संचार किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर में, तो आप लोग किस प्रकार से लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग उत्तर डालोगे और फिर हेडिंग में लिखोगे प्रभावी संचार, तो आप लिख लीजिए इस प्रकार से। संचार को केवल तभी प्रभावी माना जाता है जब माना जा सकता है जब तक यानी जब वह दूसरे व्यक्ति पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है तथा वह सभी उद्देश्य प्राप्त करता है जिसके लिए संचार किया जाता है। ओके, इस प्रकार से आप लोग प्रभावी संचार लिख सकते हो। वीडियो को रोक अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके प्रकार लिखना, तो आप लोग प्रकार किस प्रकार से लिखोगे चलिए मैं बताता हूँ प्रकार को आपको किस प्रकार से लिखना है। प्रकार पहले में लिखोगे आप लोग संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जानना, दूसरा लिखोगे संदेश किसको प्रेषित किया जाना है, तीसरे में लिखोगे आप लोग श्रोता की प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी, पाँच चौथे में लिखोगे आप लोग इस संदेश में श्रोता को लाभ हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग प्रकार लिख सकते हो। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें आप लोगों को बंद प्रश्न और सहायक क्रिया लिखना है, तो आप लोग किस प्रकार से लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे बंद प्रश्न, एक इस प्रकार हेडर वाली बंद प्रश्न के बारे में लिखिए, एक बंद प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जब उत्तर दिए जाते हैं तो आप हाँ या ना ही में उत्तर दे सकते हैं, यानी हाँ में या नहीं में उत्तर देना, जिस प्रकार से हमें इस तरफ सहायक क्रिया इस तरफ बंद प्रश्न है। तो जैसे चलिए मैं आपको एक तालिका बनाइए, मैंने आप लोग इसमें समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिख दिया पहले मैंने, तो आप लोग यहाँ पर बंद प्रश्न में लिखोगे क्या आपने होमवर्क किया, क्या आ गया इस प्रकार से। इसमें कौन किया, तो इसमें लिखोगे आप लोग राहुल कौन तुम्हारे मामा जी हैं क्या, राहुल कौन तुम्हारे मामा जी हैं क्या, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ऐसे क्या क्या लिखोगे, क्या आप तैरना सीखना चाहते हो, इस बार क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्या आप लोग लिखना चाहते हो, क्या आप लोग दौड़ना चाहते हो, इस प्रकार से आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 10 तक के पूरे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कमेंट आता है कि सर इसके आगे बनाइए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।